अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बारिश के बहुत खूबसूरत मौसम में हम अपनी मदर इन लॉ के लिए कब्र पसंद करने जा रहे हैं। पिछली तूफ़ानी बारिशों में उनकी कब्र बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब हम उनके लिए कब्र लेने जा रहे हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं कि हम कब्र कहाँ से ख़रीदेंगे और कितने की ख़रीदेंगे। फ़िलहाल हम जो कब्र लेने जा रहे हैं वो टेक्सला से लेने के लिए जा रहे हैं। टेक्सला में मार्बल का बहुत बड़ा बाजार है, मार्बल वहाँ पे बनता है, उनकी फैक्ट्रीज़ भी हैं, वो कब्रें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। और वहाँ तो चलें हम आपको दिखाते हैं आज का व्लॉग। दीवार पे देखें कितना खूबसूरत शेर लिखा हुआ है, नाज कर अपनी किस्मत पे नूए बशर, मुस्तफ़ा मिल गए और क्या चाहिए। सुबह के 5 बज चुके हैं जनाब, तो घर से निकलने का टाइम स्टार्ट हो गया है। बच्चों को सबको रेडी कर लिया, नाश्ता करा दिया, अब हम सीधा यहाँ से झमट जाएंगे अपने गांव। और हमसे पहले जो मजदूर और मिस्त्री हैं वो सब पहुँच चुके हैं वहाँ पे, तो बस हमारा इंतज़ार हो रहा है। ट्रकों के पीछे लिखी हुई पोइट्री मुझे बहुत पसंद है। ये देखें क्या लिखा है, हर यार नू राज ना दस्या कर भुलिया, यारां दी वी यार होंदे ने। जनाब हम पहुंच गए हैं अपनी सास के कब्र पर, कब्रिस्तान में हम पहुंच गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि फ़र्स्ट और पहले बिफ़ोर और आफ्टर की जो है तो वीडियो भी बनाई जाए, ताकि पता चले कि ये किस तरह की इन्होंने कब्र बनाई है। और लोग हमें बहुत डरा रहे थे कि आपकी कब्र जो है वो सास की जो कब्र है वो गिर चुकी है, तो आप जल्दी से आएँ जल्दी से आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई हुई थी। ये जो मिस्त्री हैं उन्होंने पहले से सुजुकी में जो है वो सारी कब्र लेकर आए हुए थे, हमसे पहले ये पहुँचे हुए थे। और ये देखें जनाब हमारे बच्चों का हाल, बहुत गर्मी हुई हुई थी तो इनको हम लोगों ने एसी लगा के अंदर ही बिठाया हुआ था। तो जनाब अब हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड की फुफ्फो के घर। ये हमारी जो हस्बैंड की फुफ्फो हैं, हम लोगों को बहुत दिनों से इनवाइट करी थी, लेकिन हमने कहा कि हमको अच्छा सा मौका देखकर इंशाल्लाह आएंगे। तो बस अब आज कब्रिस्तान का चक्कर लगा, तो हमने सोचा कि हम इनके घर पे जो है तो वो स्टे कर लेते हैं और सजील अपनी अम्मी की कब्र पे जो है वो मरम्मत वगैरह करवाते रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे मज़दूर और मिस्त्रियों के साथ। तो हम यहाँ पर आ गए और हम लोगों ने पूरा दिन यहाँ पर बड़े अच्छे से बड़े प्यार से स्पेंड किया। तो उन्होंने बहुत हमारी इज़्ज़त की, बहुत हमें रिस्पेक्ट दी। मैं ये कहती हूँ कि गांव वालों से ज़्यादा आपकी कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। गांव वालों में एक तहजीब है, प्यार है, इज़्ज़त है, जो वो बहुत इज़्ज़त करते हैं।
अपने रिलेटिव्स की, आज भी उनमें वो प्यार ज़िंदा है, लेकिन शहर में शायद उस तरह का प्यार आपको ना मिले जो गांव में आपको मिलता है। हमारे बच्चों को बहुत खुशी हुई। जनाब, हमारे बच्चे तो शहर से गए हुए गांव, और उन्होंने इनके घर की तबाही मचा के रख दी। उन्होंने इनके पौधे तोड़ दिए जिसमें उन्होंने मिर्ची लगाई हुई, लेमन लगाया हुआ, और वो सारे पौधे वो खींच खींच के तोड़ रहे। और मैंने अपने बच्चों को मना किया तो इनकी जो दादों हैं, जो सजील की पप्पो हैं, वो कहती हैं कि नहीं भाई, ये तो अपनी दादों के घर पे आए हैं, ख़बरदार अगर तुमने मेरे बच्चों को मना किया। वो इतना प्यार मेरे बच्चों को दे रही थी, इतना प्यार दे रही थी, कह रही थी इनको जो करना है करो, तुमने इनको मना नहीं करना, ये जो मर्ज़ी कर दें आज। और वो दादो है ना, आखिर तो दादो इतना प्यार इनको दे रही थी कि हम हैरान रह गए। मेरे बच्चों को गांव की मिट्टी से बहुत प्यार है, अपने गांव की मिट्टी से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये इनकी और इनकी दादों की ऐसी अटैचमेंट हो गई कि इनकी दादों इनको जाने का छोड़ ही नहीं रही थी कि नहीं जाना, आज आपने यहीं पे रहना है। लेकिन हमें वापस जो है तो शायद अपने घर जाके बहुत ज़रूरी काम करने थे, और इसकी वजह से हम लोग को अभी आज जाना पड़ा। लेकिन इनकी दादों ने हमें एक शर्त पे छोड़ा कि आप दोबारा नेक्स्ट जो आएंगे तो 2-3 दिन हमारे पास रहेंगे। तो वो वादा जब हमने इनके साथ किया तब इन्होंने हमें छोड़ा नहीं, तो वो इतना हमें प्यार दे रही थी, इतना हमें इज्जत दे रही थी कि वो हमें छोड़ ही नहीं रही थी। कह रही थी नहीं, आपको जाना ही नहीं, आप इतने अरसे बाद आए हैं और एक दिन के लिए आए, नहीं आप यहीं पर रहें, हफ्ता आप रहेंगे और उसके बाद आप वापस जाएँगे। लेकिन जाना तो मजबूरी थी क्योंकि पीछे हमारे बहुत काम है।
जनाब जाने से पहले अपनी जो सास है उनकी कब्र पर हम लोग दुआ करने के लिए आए और देखा कि हम लोगों ने जो कब्र ली थी वो किस तरह की लग रही है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी कब्र उन्होंने बनाई। हमारा जो मिस्त्री आया था वो भी टेक्सला से ही आया था, वो स्पेशली ये कब्रें बनाने वाले हैं, तो हम लोग गाँव से कोई भी हायर नहीं कर सकते थे, तो हम लोग टेक्सला से ही उस मिस्त्री को लेकर आए। बहुत खूबसूरत कब्र बनाई, बस अल्लाह पाक उनकी मगफ़रत फरमाए। और निकलने में हमें इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि बारिश और तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। और लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लाइटिंग हो रही थी, और हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, हमें इतना डर लग रहा था। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ी ईमानिल्लाह।